बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड साल्ट, इसको आज हमने स्टार्ट करना है। और चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस और साल्ट की आज हमने इंट्रोडक्शन पढ़नी है। इंट्रोडक्शन में हम ये स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या चीज़ें पढ़नी है आगे जाकर। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ एसिड और बेसिस को हम डिस्कस करेंगे, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और बेसिस को हम डिस्कस करेंगे, इसके अलावा यूजेस ऑफ एसिड और बेसिस को भी हम डिस्कस करेंगे, पीएच और इंडिकेटर का टॉपिक भी इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे, और साल्ट, साल्ट को हम स्टार्ट करेंगे, करैक्टरिस्टिक ऑफ साल्ट, प्रिपरेशन ऑफ साल्ट, टाइप्स ऑफ साल्ट, और लास्ट में हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ साल्ट को। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम कंपाउंड से स्टार्ट लेते हैं कि कंपाउंड हमारे पास क्या चीज़ होता है। तो कंपाउंड, कंपाउंड इसको हम चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 केमिस्ट्री में डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं कि कंपाउंड हमारे पास क्या चीज़ होता है। तो सिंपल हम इसको डिफाइन करते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस हमारे पास केमिकली कंबाइन होती है लेकिन फिक्स रेशो के साथ, तो इसको हम कंपाउंड कहते हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें आ गई, एक हमारे पास केमिकल कम्बिनेशन, एक हमारे पास क्या है, केमिकल कम्बिनेशन। अब केमिकल कम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, और दूसरा हमारे पास है फिक्स रेशो, फिक्स रेशो का मतलब क्या होता है। तो इन दो चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। केमिकल कम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि दो या दो से ज़्यादा जो सब्सटेंसेस हमारे पास कंबाइन होती है उनमें केमिकल कम्बिनेशन होती है। केमिकल कम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि इसमें बॉन्ड बनेंगे, इसमें या तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी या लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी या गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, तो इससे हमारे पास बॉन्ड बनेंगे, तो केमिकल कम्बिनेशन का मतलब ये हो गया। फिक्स रेशो का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है, H2O है, H2O में आप लोग देख सकते हैं कि दो हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है। तो जब हम दो हाइड्रोजन एटम को और एक ऑक्सीजन एटम को कंबाइन करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे, तो हमारे पास H2O का मॉलिक्यूल बनेगा। फॉर एग्जांपल इस रेशो को हम किस तरह डिस्टर्ब कर सकते हैं, अगर ये हाइड्रोजन यहाँ पर 3 हो जाए H3O, तो ये हमारे पास वाटर नहीं बनेगा बल्कि हाइड्रोनियम आयन यहाँ पर बन जाएगा। अगर हम इस रेशो को मज़ीद डिस्टर्ब कर ले, यहाँ पर एक ऑक्सीजन हम ज़्यादा कर लेते हैं, तो H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन जाएगा, तो इसको हम कंपाउंड कहते हैं कि व्हेन टू आर मोर देन टू सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर। लेकिन कम्बिनेशन किस तरह होगी, केमिकल कम्बिनेशन होगी इन अ फिक्स रेशो, देन दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड कंपाउंड। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कंपाउंड कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये हमारे पास कंपाउंड है। अब कंपाउंड हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक हमारे पास होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा हमारे पास होता है क्या, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा हमारे पास होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, वो कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी हमारे पास कंपाउंड है इसको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, एक्सेप्ट कार्बन प्लस हाइड्रोजन, इसके अलावा जितने भी कंपाउंड है इसको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये या तो हमारे पास एसिड होंगे या ये हमारे पास बेसिस होंगे या ये हमारे पास साल्ट होंगे, इन तीनों के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिड होंगे या बेस होंगे या साल्ट होंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एसिड बेसिस और साल्ट कहते हैं। अब सेकंड पॉइंट हमारे पास है कि हमारे पास एक साइंटिस्ट है, जाबिर इब्न आयान, आप लोगों ने नाम सुना भी होगा, जाबिर इब्न हयान
जाबिर इब्न हयान, इसको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं कि ये केमिस्ट्री का क्या है, फादर है। अब इसको हम केमिस्ट्री का फादर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने सबसे पहले तीन एसिड को डिस्कवर किया था। पहला हमारे पास है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा हमारे पास है HNO3, नाइट्रिक एसिड। तीसरा हमारे पास है H2SO4। इन तीनों को जाबिर इब्न हयान ने सबसे पहले डिस्कवर किया था, इन एसिड को। इसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, इसको हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं, इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। अब जाबिर इब्न हयान इज कॉल्ड फादर ऑफ केमिस्ट्री। डिफरेंट साइंटिस्ट आते गए और उन्होंने एसिड और बेसिड को अपने तौर पर डिफाइन किया। पॉइंट हमारे पास है कि 1787 में एक साइंटिस्ट आया, लोइजर। उन्होंने कहा कि बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एसिड, कि जितने भी हमारे पास बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन है, इसको हम एसिड कहते हैं। अब बाइनरी कंपाउंड, कौन से कंपाउंड को हम कहते हैं, ऑक्सीजन के किसी भी एटम के साथ बांड बनाना, इसको हम बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल के तौर पर है, फॉर एग्जांपल SO2, CO2, ये जितने भी कंपाउंड है, इसको हम बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन कहते हैं। अब इसने रीज़न किस तरह दिया था कि बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एसिड, या पर हम एग्जांपल लेते हैं, इसने रीज़न ये दिया था कि जब हमारे पास ये बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, फॉर एग्जांपल CO2 हमारे पास एक बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन है, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हमारे पास एसिड बनाते हैं, एसिडिक सोल्यूशन बनाते होते हैं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो H2CO3, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कार्बनिक एसिड कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कार्बनिक एसिड कहते हैं। इसी तरह हमारे पास है SO2 जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो H2SO4, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। तो इसने ये रीज़न दिया था कि जब बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हमें एसिडिक सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन 1815 में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम सर हम्फ्री डेवी था। जिसका नाम क्या था? सर हम्फ्री डेवी ने यह कहा 1815, इसने कहा कि बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एसिड। ये डिफिनीशन भी ठीक है, लेकिन अगर हम HCl को देख लेते हैं तो यहाँ पर तो ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, फिर भी हमारे पास HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक स्ट्रांग एसिड है। तो उन्होंने कहा कि एसिड में हाइड्रोजन नेसेसरी होगा। एसिड में हमारे पास अगर ऑक्सीजन मौजूद न भी हो तो फिर भी हमारे पास ये एसिड होगा। जिस तरह हमारे पास HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, ये हमारे पास स्ट्रांग एसिड है। तो सर हम्फ्री डेवी ने अपने डिस्कशन का बेस ये बनाया कि हाइड्रोजन ज़रूर मौजूद होगा एसिड में। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेसिस के बारे में कि बेसिस क्या चीज़ होता है। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा मेटालिक ऑक्साइड के बारे में, मेटालिक ऑक्साइड, जैसे कि नेम से भी इंडिकेट करता है ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन। और मेटल ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। तो ऑक्सीजन का ग्रुप 1 या ग्रुप 2 के एलिमेंट के साथ बांड बनाना, इसको हम मेटालिक ऑक्साइड कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, मेटालिक ऑक्साइड कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, हमारे पास सोडियम है। सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ बांड बनाता है तो सोडियम ऑक्साइड ये बनाता होता है। इस तरह मैग्नीशियम है, जब ये ऑक्सीजन के साथ बांड बनाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बनाता है। अब बेस को हम किस तरह डिफाइन करेंगे कि वो मेटालिक ऑक्साइड जिसको जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो रेड लिटमस पेपर को, किस चीज़ को, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये प्रॉपर्टी किस चीज़ की है, ये हमारे पास बेस की प्रॉपर्टी है।
किस चीज की प्रॉपर्टी है? बेस की प्रॉपर्टी है। तो वो मेटालिक ऑक्साइड जिसको जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं और वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, तो हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेस है। एग्जांपल के तौर पर हम उठा लेते हैं किस चीज़ को, सोडियम ऑक्साइड को। सोडियम ऑक्साइड इसको जब हम वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं तो ये हमें देता है क्या, NaOH। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक बेस है। इस तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम प्लस H2O, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक बेस है। जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो ये हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये हमें देता होता है। तो ये हमारे पास बात हो गई। डिफरेंट साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने अपने तौर पर एसिड और बेस को डिफाइन किया था। अब एसिड का जो वर्ड है, एसिड का जो वर्ड है ये डिराइव हुआ है एक लेटिन वर्ड से। किस चीज़ से? एक लेटिन वर्ड से जिसका जो हमारे पास है एसिडस, एसिडस। और एसिडस का मतलब क्या है, सोर। यानी हमारे पास जितने भी एसिड है उसका टेस्ट क्या होगा, सोर है। सबसे पहले जो एसिड इंसान ने डिराइव किया था वो था एसेटिक एसिड। क्या? एसेटिक एसिड, जिसका हमारे पास फार्मूला है CH3COOH। और ये एसिड विनेगर में पाया जाता है, विनेगर में ये पाया जाता है। दूसरा पॉइंट आप लोग नोट कर ले कि इंसान के स्टमक में, इंसान के मैदे में जो एसिड होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका फंक्शन क्या होता है, जर्म्स और बैक्टीरिया को किल करना। एंड बैक्टीरिया इसको किल करना। दूसरा इसका फंक्शन क्या होता है, ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन ऑफ फूड। ये इसका दूसरा फंक्शन हो गया। अब HCl की जो क्वांटिटी है वो नॉर्मल क्वांटिटी से ज़्यादा हो जाती है तो फिर इंसान क्या कहता है कि मेरे मैदे में जलन हो रही है। अब इस जलन को ख़त्म करने के लिए, इस HCl की मकदार को कंट्रोल करने के लिए हम अल्कलाइन मेडिसिन ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है HCl, इसका मकदार, इसकी क्वान्टिटी ज़्यादा हो गई मैदे में, तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, ये नॉर्मल साल्ट बना लेते हैं NaCl और इसके साथ साथ H2O, तो फिर ये हमारे पास ये जलन ख़त्म हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड बेसिस एंड साल्ट। ओके, थैंक्स।